5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके। प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि 9 मिनटों में जो बिजली बचेगी वो पावर ग्रिड के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर सकती है। दरअसल जब एक साथ करोड़ों लोग अपने घरों की बत्तियां बुझा देंगे और फिर 9 मिनट बाद एक साथ उसे ऑन करेंगे तो बिजली का भंडारण और सप्लाई करने वाली पावर ग्रिड पर अचानक से लोड बढ़ेगा और घटेगा। जानकारों का मानना है कि अचानक ऐसा करने से पावर ग्रिड का सिस्टम फेल हो सकता है। आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कि एक कार 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी चली जा रही है और फिर अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए। ऐसे में गाड़ी को जबरदस्त झटका लगेगा और अंदर बैठे आदमी भी उछल पड़ेंगे। तो जिस तरह से गाड़ी दौड़ रही होती है, वैसे ही हमारे बिजली के तारों में भी बिजली दौड़ रही होती है। हाई टेंशन तारों से लेकर घरों तक बिजली पहुंचाने वाले वायर्स तक में करंट एक तय सीमा तक ही होता है, लेकिन अचानक से उसमें 9 मिनट का ब्रेक और फिर 9 मिनट बाद तुरंत सबके स्विच ऑन होने से इस सप्लाई पर असर होगा। जानकारों के मुताबिक 12% तक डिमांड कम हो सकती है और फिर अचानक बेतहाशा बढ़ सकती है। पावर ग्रिड की स्थिरता को बनाए रखने के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन को मांग के हिसाब से एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के भीतर बिजली सप्लाई का प्रबंध करना होगा, वरना बिजली वोल्टेज बढ़ने से ट्रांसमिशन लाइन ठप हो सकती है और राष्ट्रीय ग्रिड को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती हो सकती है। यानी फिर सिर्फ 9 मिनट तक के लिए नहीं बल्कि कई दिनों तक आपके घरों में अंधेरा हो सकता है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि एक साथ लाइटों को बंद करने से ग्रिड सप्लाई ठप हो सकती है। उन्होंने देशवासियों से बिना लाइटें बंद किए मोमबत्तियां जलाने को कहा है। मोदी तो आए और कहकर निकल लिए, लेकिन अब ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के बाबुओं की नींद हराम हो गई है। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने इस मुद्दे पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेटर कॉरपोरेशन के साथ आज बैठक की और उपायों पर मंथन किया। ये लोग कुछ इंतजाम करने में लगे हुए हैं। कैसे बचें? मोदी ने जैसा कहा, अगर आप वैसा ही करना चाहते हैं तो अपने घरों की सिर्फ लाइट्स ही ऑफ करें। लाइट्स के अलावा फ्रिज, टीवी, पंखा या एसी जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण चलते रहने दें। बाकी उपकरण अगर चलते रहें तो बिजली की सप्लाई पर थोड़ा कम असर होगा। साल 2012 में हुआ ब्लैकआउट तो आप लोगों को याद ही होगा। तब अचानक मांग बढ़ने से ट्रिपिंग हुई थी, जिससे 70 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगियां रुक सी गई थी। रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे और कारोबार बिजली ठप होने से प्रभावित हुआ था। थाली बजाने वालों ने तो कोरोना उत्सव बना दिया था। अब ये कोरोना वाली दिवाली क्या गुल खिलाती है, ये तो इतवार को 9:10 पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।